हेलो, वेलकम यू ऑल। आज 12 मार्च और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, आपके लिए हमेशा ही ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं SBI कार्ड IPO के बारे में। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी इस बिड के लिए अप्लाई किया था, लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, वो चाहते हैं उनका पैसा वापस दे दिया जाए इन कैश। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम पैसा अलॉटमेंट होने से पहले क्या अपना पैसा वापस ले सकते हैं? हम इस बारे में जानेंगे। और ऐसा क्या रुझान बना है जिसकी वजह से इसका जो प्रीमियर था वो डूबता जा रहा है, उन रीजंस के बारे में हम जानेंगे। और क्या इसका लिस्टिंग प्राइस होगा क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों का सपोर्ट मांगूंगा। प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को। तो आपको मैं डायरेक्ट इसकी कमेंट्रीज पहले चलता हूँ जो एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे साथ पेश की गई है। तो जो सभी लोग इसमें अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं कि उनको लॉट असाइन ना कीजिए, उनको कैश उनका वापस दीजिए। फर्स्ट रीज़न क्यों? कि आपने ब्लड बाथ निफ्टी 50 में आज सुबह देखा तो निफ्टी 50 जैसा लुढ़कता जा रहा है। तो सभी को ऐसा लग रहा है कि ये जब लिस्ट होगा तो डेफिनेटली इसमें सेल मूवमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। अगर हम इसको टाइम पे ट्रैक नहीं कर पाए तो डेफिनेटली हमारा पैसा डूब सकता है। जो प्रीमियम की बात रही वो सिर्फ 10 रुपये रह चुका है। डिफरेंट ब्रोकरेजेस और डब्बा बाज़ार में लगातार इसकी प्रीमियम में गिरावट हमारे को देखती रह गई है। तो आज के दिन अगर आप बता दूँ, सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इसमें प्रीमियम सिर्फ 10 रुपये का रह गया था और बाज़ार उसके बाद काफ़ी लुढ़का है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रीमियम इसमें हमारे को 10 से 5 रुपये में ही देखने को मिलेगा। और वहीं आपको बता दूँ रीजंस क्या है। फर्स्ट, कोरोना वायरस। वुहू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग 110 कंट्रीज़ में कोरोना वायरस का सिम्टम देख चुके हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर के लोगों को ये सिम्टम पाया गया। लगभग 4,000 के आसपास लोगों की इसकी वजह से डेथ भी हो चुकी है। दूसरा पैनिक रीज़न, आपको पता ही है इंडिया ने अभी अभी जो फॉरेन वीज़ा सारे बंद कर चुके हैं। मैक्सिमम 2-3 कंट्रीज़ ने अपने वीज़ा बंद कर चुके हैं, फॉरेन कोई भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो जो ये पैनिक देखता हुआ है हमारा कोरोना वायरस की वजह से, डेफिनेटली इससे भी डब्बा बाज़ार में काफ़ी असर पड़ा है। और तीसरा, जो ऑयल प्राइजेज़ में हमारे को बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, उससे भी इस IPO कार्ड में काफ़ी हमारे को गिरावट देखने को मिली है डब्बा बाज़ार में। तो वहीं अगर आपको बता दूं कि जो निफ्टी 50 में हमने पैसा पानी की तरह गिरता हुआ देखा, जो FIs की टोटल सेलिंग देखी, उसने सबको इन्वेस्टर्स को हिला दिया है और इन्वेस्टर चाहता है उनका पैसा वापस मिल जाए। वहीं जो हमारा ये IPO था, 26 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था और इसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग के टाइम में प्रीमियम था वो 50% से भी ज़्यादा था, जो अब लुढ़क के 10 या 15 रुपये आ चुका है। तो वहीं यूरोप ने भी और US ने भी जो ट्रेवल्स बंद कर दिए, उसके वजह से भी इसमें IPO में थोड़ी गिरावट देखने को हमारे को मिल रही है। और आपको ये भी बता दूं कि लगभग हर जगह यही बात रह चुकी है कि जो IPO हमारा ये लगेगा वो किस प्राइस पे लगेगा। तो मैं आपको बता दूँ, 755 प्लस 15 रुपये प्रीमियम। आप देखोगे तो ये जब ये लिस्ट होगा शेयर, तो मैं आपको बता दूँ ये 770 से ऊपर लिस्ट नहीं होने वाला है। और अगर इसमें जैसे अभी मार्केट है टोटल क्रैश की तरफ चला हुआ है, डूबता जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे को इसमें भी IPO में पैनिक देखने को मिल सकता है और हमारी लिक्विडिटी फंस सकती है। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि आपका पैसा इसमें अब सुरक्षित है कि नहीं, आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, या आपको पैसा अपना वापस चाहिए तो कैसा पता लगेगा। तो दोस्तों, आज रिवर्सल का था। जिन्होंने UPI पेमेंट नहीं की थी, जिन्होंने डायरेक्ट बैंक से या बैंक के खाते से ऑनलाइन बैंकिंग से इस IPO के लिए अप्लाई किया था, अभी तक मुझे ऐसा लगता है उनका पैसा वापस रिफंड हो चुका होगा। आप अपने जाके स्टेटमेंट देखिए, अपना बैलेंस चेक कीजिए, आपको स्टेटमेंट में वापस वो पैसा ही दिखेगा। लीन अमाउंट से वो हट चुका होगा और आपके अकाउंट में वो पैसा वापस रिफ्लेक्ट होके आपको दिख रहा होगा। तो यही एक तरीका है जिससे हमारा रिलैक्स पा सकते हैं, क्योंकि मेरा पैसा भी वापस आ गया। मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे भी अलॉट लगा नहीं है। तो आप इस तरह अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपको स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। उससे ही हम कंफर्म कर सकते हैं हमारा पैसा अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे को लॉट मिला है कि नहीं मिला, हमारा पैसा बचा है कि नहीं बचा। मैं भी डेफिनेटली चाहता था कि मेरा SBI का जो मैंने IPO अलॉट हुआ है, मेरा अलॉटमेंट ना लगे, मेरा पैसा वापस मिल जाए, क्योंकि इस टाइम जो ब्लू चिप्स शेयर हैं वो काफ़ी नीचे रद्दी के भाव में मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं यही पैसा उसमें लगा तो डेफिनेटली मेरे को ज़्यादा गेन मिलेगा आगे आने वाले टाइम में इस SBI कार्ड IPO
से भी ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे ऐसा मेरा मानना यह है। तो दोस्तों अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।